वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सर पेपर हैकर। आज की इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बनारस से हैं, तो ये बनारस यूनिवर्सिटी का पेपर है 2021 का, बीकॉम सेकेंड ईयर वालों का, जिसका पेपर का नाम हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर आता है उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं देखो, और आपको 1.5 घंटे में सोल्यूशन करना था। ये 2021 का पेपर है। आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर कुछ भी है उसको ओपन करो और उस पे क्वेश्चन के अगले लिख लो कि ये 2021 में आया हुआ है, ताकि जब भी आप उस क्वेश्चन को देखें तो आपको ये महसूस हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप जब 2022 का पेपर देने वाले हो या फिर 2023 का पेपर देने वाले हो, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो 2022 में आ रहे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल नीचे जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वालों के लिए, या फिर आप बीकॉम बाय पेपर हैकर यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको भी प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पेपर हैकर यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बीकॉम सेकंड ईयर वालों का पेपर है, और इसमें क्या है देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको क्या करना है, सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन करना है, मतलब 12 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना है। तो आपको देख सकते हो 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 8 5 40 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि लागत लेखांकन के क्षेत्र का वर्णन करिए, ये क्वेश्चन पहला बना था। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बता लागत लेखांकन व प्रबंध लेखांकन में अंतर क्या होता है, ये पूछा गया। साथ ही साथ संयुक्त जो सामग्री कह सकते हैं कि लागत की गणना कैसे की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। वहीं लागत अंकेक्षण क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और उपरेक्त कह सकते हैं ऊपरी व्यय क्या होता है, ऊपरी व्यय की परिभाषा के बारे में पूछा गया। अल्प और अति अवशोषण क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया हमसे। ये क्वेश्चन 2021 में पूछे गए, आप देख लो इस तरीके से पेपर बना था। तो आपको जब पेपर देखते हो प्रीवियस ईयर का, तो आपको ये लग जाता है, हमारे दिल इतना बड़ा हो जाता है कि हमें डर खत्म हो जाता है, तो इसलिए पेपर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ साथ में जो क्वेश्चन बना था वो बना था ऊपरी, कह सकते हैं ऊपरी व्यय के अभिभाजन और अवशोषण में अंतर के बारे में पूछा गया। ठीक है, ऊपरी व्यय के विभागीकरण से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया। चालू कार्य क्या होता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। और आपसे 11वां 10वां क्वेश्चन पूछा है कुल लागत के विभिन्न अंग क्या होते हैं, ये पूछा गया। और उपकार्य लागत लेखांकन व समूह लागत लेखांकन में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ ही साथ आपसे पूछा गया उप उत्पादक क्या होता है, वाई प्रोडक्ट, इसके बारे में पूछा गया। 2021 के पेपर थे ये, शॉर्ट में क्वेश्चन बने थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया वो देख लो। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 6 क्वेश्चन पूछता है, 6 में से 2 क्वेश्चन करने थे। अब 30 नंबर का एक क्वेश्चन था, देख लो 30 नंबर का एक क्वेश्चन था, ध्यान से देख लो बेटा, 30 नंबर का एक क्वेश्चन था। अब 30 नंबर का एक क्वेश्चन था तो देख लो, यहां बोला गया है पहला क्वेश्चन था दिसंबर 2020 के दौरान एक गठित सामग्री के क्रय एवं निर्गमन के संबंध में निम्नलिखित लेन देन हुई। तो यहां बोला गया है क्वेश्चन दे रखा है, देखो प्राप्तियां, मात्रा और दर, इतने रुपए के इतने तारीख को इतने यूनिट इतने रुपए के पर यूनिट के हिसाब से खरीदा गया, ये अब क्वेश्चन है। और उसके बाद में इसको आप देख सकते हैं, इसमें निर्गमन और मात्रा दे रखी है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप देख सकते हो क्वेश्चन पूरा यहां से लेकर यहां तक ये क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इसको छोटा करके दिखा सकता हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर से यहां से देखिए, इस तरीके का पहला क्वेश्चन बनेगा। यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है ऊपरी व्यय के अवशोषण की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना करिए, आप ये कर सकते हैं, या फिर निम्नलिखित सूचनाओं से विभिन्न लागत और कारो जो कारखाने हैं उनके अप्रत्यक्ष व्यय और मजदूरी के 7% कार्यालय व्यय का कारखाना लागत के 7% विक्रय मूल्य पर इतने परसेंट आप उत्पन्न करना, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको देख सकते हैं ये मजदूरी कारखाने के बारे में दिए गए व्यय के बारे में है। चौथा क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया है कि एक आयातक परिचालक, ठीक है, लागत पत्र जो कह सकते हैं काल्पनिक अंगों सहित तैयार कीजिए और जिसमें सम्मिलित मदों को समझाइए, ये क्वेश्चन पूछा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विधि खाते के विधि खाते क्यों बनाए जाते हैं, जो विधि खाते होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, समान लक्ष्य और कह सकते हैं असामान्य लक्ष्य या असामान्य लाभ का लेखा उदाहरण सहित समझाइए, ये पूछा गया। और वही क्वेश्चन पूछा गया था एक कंपनी के लागत लेखों ने, ठीक है, वर्षों का 30 और 114 के लाभांश में दिखाए गए, पूरा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप देख लो। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये देखो पूरा,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि इसको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। ये देख सकते हो पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हिंदी का क्वेश्चन हो गया और इसका इंग्लिश पोर्शन देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। 2022 में आने वाले क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल नीचे जाइए और वहां आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में चले जाइए तो आपको वहां मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना प्लीज यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू।